अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर बकार वहीद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है, 5 वीडियो आप देख चुके होंगे, 6 वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। ये वीडियो पार्ट नंबर 7 आपके पास ASF का आ रहा है, और वीडियो 7 नहीं, इसे समझिए लास्ट पार्ट, क्योंकि ये एक पार्ट भी बनाने लगा हूँ, और 7 और 8 और 9 पार्ट में नहीं बना रहा। ये एक पार्ट इसलिए बनाने लगा हूँ क्योंकि ताकि इस पर प्रॉपरली फोकस करके आप लोग प्रिपरेशन कर सकें। आपने करना क्या, अब ये लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन टू को आपने पास करना है तो आपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करें इंटरव्यूज प्रिपरेशन सर वकार विद, मेरी जितनी वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे SSBQ RBQ FAQ व्हाटएवर कुछ भी है, सारी की सारी वीडियोज़ को सुनना है। उनके सुनने के बाद उनके क्वेश्चन की लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के घर के किसी फर्द को आप तलाश करें और उसे कहें कि वही सवालात वही क्वेश्चन वो आपसे पूछें। जब वो वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसे जवाब दें, जिससे पता चलेगा कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप प्रॉपरली इंटू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप मेरी वीडियोज़ को सुन के उसके नोट्स बना के प्रॉपरली उसकी क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इंटू में सही से परफॉर्म करेंगे। अगर अभी आप शीशे के सामने खड़े होकर अच्छा बोल रहे हैं, आप मेरी वीडियो सुनते हुए दिमाग में आ रहा है मैं ये बोल लूँगा, वहाँ नहीं बोला जाएगा, वहाँ बुरी हालत हो जाएगी, वहाँ आपकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकलें और फंस जाओगे आप। तो इस बात को ज़हन में रखो, खुद ज़हन में रखो इन बातों को, और ज़हन निश्चिंत करो, प्रैक्टिस करोगे फिर ही परफेक्ट हो पाओगे। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, फिर भी पास कर पाओगे। और एक आखिरी बात, अल्लाह पे बिलीव करो, यकीन रखो अल्लाह पे, निफल पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी बेहतर तो मिल जाए, नहीं बेहतर तो स्किप हो जाए, कोई और जॉब मिल जाए। और अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो फिर भी अल्लाह का शुक्रगुजार बनो। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें ASF के इंटरव्यूज़ किए या SMS नहीं आए, तो वो क्या सोचते हैं कि यार सरकार से तैयारी करेंगे क्या फ़ायदा, मैं SMS नहीं आया, क्या पता अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में कोई और रखा हो। हज़ारों वही बच्चे हैं जिन्हें SMS आए, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ देखो कि एक बंदा तुम्हें फ्री तैयारी करा रहा है, इट्स इनफ फॉर यू, बहुत है तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। बाकी नसीब की भी तो बात होती है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नसीब कहाँ रखा है, कौन सी जॉब में तुमने जाना है, किस क्राइटेरिया की तरफ, क्या कौन सी जगह पर अल्लाह ने तुम्हारा रिजल्ट रखा है, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला बेहतर जानता है। तो अपने नसीब को अपने बदनसीबी के साथ टकराओ मत, और अपने दिलो दिमाग में इस बारे में ज़रा भी ना सोचो कि भाई तुम्हें ये जॉब नहीं मिले तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी ये आखिरी नौकरी होगी, तुम तबाह हो जाओगे, बस ज़िंदगी ख़त्म होगी, तुम्हारे ख्वाब सारे ख़त्म होगे। क्या पता तुम कॉर्पल ना जाओ, इंस्पेक्टर जाओ, क्या तुम ASN जाओ, तुम दुबई जाओ, क्या पता तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा हो, क्या पता तुम किसी हाई लेवल तक पहुंच जाओ। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं इंसान को ये बता दूँ तेरे लिए क्या बेहतर है, तो वो सुकून की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह बताता नहीं है, इसलिए हम कन्फ्यूज रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। तो रिलैक्स हो जाओ, इंटरव्यू देने जाओ तो दिलो दिमाग में एक बात रखो कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स तुम्हें खा नहीं सकता, समझ आ रही? बी रिलैक्स रहो। और रही बात, अगर वो ऐसे रखवाते हैं कुछ भी करते हैं तो उन्हें लिखना आना चाहिए तुम्हें, कम से कम 1 पेज का तुम्हें लिखना आना चाहिए, और एक्यूरेट लिखो जो तुम्हें लगता रहा है, गलत लिखो सही लिखो लेकिन लिखो लाजमी। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस तुमने दे दिया तो तुम 100% पास हो, इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लो, इंटरव्यू बहुत मैटर करता है तुम्हारी सिलेक्शन के लिए। रही बात रेफरेंस वगैरह, ये सब दिलो दिमाग की बातें हैं बेटा, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास रेफरेंस नहीं भी होता लेकिन वो मुकाम तक पहुंच जाते हैं, समझ आई? और फेसबुक पे जाकर सर्च करो वकार विद, इनबॉक्स में अपनी स्लिप लाजमी सेंड कर देना, परेशान मत होना, हर जगह मैं तुम्हारा साथ दूंगा इंशाल्लाह। देखते ना चैनल सर वकार विद, वलम अलैका आती, अल्लाह हाफिज़।